कैसे बस में आग लगी? बस में जैसे ही बैक करके गाड़ी लगाए ऊपर बिजली के तार सट गया, सटने के बाद में उतर रहे थे, इनको करंट लग गया। कहाँ से कहाँ बस चलती है? सरैया से हाजीपुर। बस का नाम क्या है? केपीला। वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामाशीष चौक के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक खड़ी बस में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और राहगीरों की भारी भीड़ भी जुट गई। वहीं आग लगने के कारण बस का चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के रामाशीष चौक पर खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। बस का खलासी असरफी राय के मुताबिक बस सरैया से हाजीपुर चलती है, जो बस यात्री को लेकर आया था और उतार कर बस को साइड में लगा रहा था। उसी दौरान बिजली का हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया और भीषण आग लगी घटना हो गई। उसी दौरान बस के स्टेयरिंग पर बैठा चालक वैशाली जिले के बेलसर निवासी लक्ष्मी राय का पुत्र 50 वर्षीय गणेश राय गंभीर रूप से घायल हो गया। कैसे बस में आग लगी? बस में जैसे ही बैक करके गाड़ी लगाए ऊपर बिजली के तार सट गया, और सटने के बाद में उतर रहे थे, इनको करंट लग गया। कहाँ से कहाँ बस चलती है? सरैया से हाजीपुर। बस का नाम क्या है? केपीडर। तो ऊपर तार था, आप लोग देखे नहीं? नहीं, हम लोग ये अपना बैग करके उतर रहे थे गेट से, और जैसे उतरे तैसे इनको करंट लग गया। अब बस में आग लग गया? बस में आग लग गया, हम देखो नहीं कि इनको लेके भाग चले हम। अच्छा, उसमें यात्री भी था? नहीं, यात्री नहीं। यात्री नहीं था जी। यात्री को उतार के बैक कर रहे थे जी। फिर जाने के लिए रिटर्न? हाँ, रिटर्न। बताया जाता है कि बेलसर प्रखंड के सोहरत्था पंचायत के मुखिया वीरेंद्र राय उर्फ खकन राय का बस है। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही जिला अग्निशमन पदाधिकारी मोहम्मद फैज आलम पहुंचे। उनके साथ दमकल की दो गाड़ी भी पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर सदर थाना यातायात की पुलिस भी पहुंची। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी लगी रही। मिली जानकारी के अनुसार बस का चालक यात्री को नीचे उतार कर बस को खाली स्थान पर लगा रहा था, उसी दौरान बिजली के तार सटने से आग लग गई। गनीमत रही कि सभी यात्री बस से नीचे उतर गए थे, नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। बस में आग लगने की सूचना मिली थी, हम लोग फायर स्टेशन से गाड़ी भेजे। अब इसका आग लगने का कारण क्या है अभी हम लोग पता कर रहे हैं। अभी आग लगने का कारण स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। कैजुअलिटी वगैरह क्या है? कैजुअलिटी अभी मालूम हुआ है कि ड्राइवर इंजर्ड है और हॉस्पिटल में उनको ले जाके भर्ती कराया गया है। वो हम लोग जा करके अभी देखेंगे क्या स्थिति है। बस खाली थी, यात्री भी सवार थे? अभी ये सब क्लियर पता नहीं चल पाया, ये हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके बाद में बताएंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।